नमस्कार दोस्तों, जय बाबा नानक देव। स्वागत है मित्रों आप सभी का बेहद ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों यह दो देवी देवता छुपे हैं घर इस कोने में आपके, जी हां, और साथ में करोड़ों का खजाना भी मौजूद है इस कोने में। इस केवल अकेले जी देखना, क्योंकि बड़े भाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। इसे अपने से जानकर बूझकर मत छोड़ना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। लेकिन माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि कमेंट में सच्चे दिल से जय माँ पार्वती भी लिखते। आपको अंदाजा नहीं होगा, आप साथ दिन के अंदर करोड़पति बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन से गरीबी दौड़कर भागेंगे। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में भूलकर भी ये पांच काम मत करना अगले 7 दिन तक, क्योंकि यह दो देवी देवता आपको कुछ प्रदान करेंगे और आपके सपने में आकर या फिर आपको संकेतों द्वारा बताएंगे। और यह देवी देवता केवल किस्मत वाले के ही घर में मौजूद होंगे। जी हाँ, क्योंकि यह देवी देवता सभी के घर में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं। ये कलयुग की दुनिया में बहुत भाग्यशाली होगा जिसके घर में यह देवी देवता अपने कृपा बरसाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों भगवान सब देखते हैं, वे सब जानते हैं कि कौन मनुष्य सच्चे दिल के हैं और कौन छल कपट करते हैं, कौन अपने जीवन में खड़ी मेहनत करते हैं। भगवान को सब पता है, इसलिए वे केवल आपके घर में अपनी कृपा से ऐसी लीला करें जिन्हें देखकर आपके आंखों से आंसू नहीं रुके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रंग से राजा हर कोई नहीं बनते हैं, लेकिन जिसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होते हैं उनके जीवन में अचानक से ऐसा बदलवा आता है, वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि कभी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप बहुत मेहनती है, आप बहुत ही अच्छे इंसान है, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं होने के कारण आप किसी के जीवन में ठीक से मदद नहीं कर पाते हैं। आप सभी के दुखों को हरना भी चाहते हैं, परंतु लोग आपका मदद नहीं करते हैं। लोग केवल आपके पास तब तक रहते हैं जब तक आपकी जेब में पैसे होते हैं, और जैसे पैसा आपके हाथ से खत्म होता है उसी क्षण इंसान अपना औकात आपको दिखा देते हैं। और जो लोग आपको पसंद करते हैं पैसे खत्म होते ही आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे लगता ही नहीं कि आपसे उन्हें काम होगा। जी हाँ दोस्तों, घबरा यह नहीं, अगर आप सच्चे मन के हैं, आप सच्चे दिल के हैं, तो आपके साथ ईश्वर है। आपके जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु आपको कभी मुश्किल में पड़ने नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान शिव जी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। जो लोग आपको रद्दी के भाव समझते हैं, अब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर हम क्या गलती कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी चौंक जाएंगे यह सुनकर कि आपके जीवन में आपकी कुंडली में 1777 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हाँ, 1777 देवता आपकी कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे, और ऐसी चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप मालामाल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु जी। हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेत से वह मालामाल बन जाएगा, इसकी मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता काहे। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है।
मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपकी सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी के अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखे दे। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हाँ, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मन के बारे में। वह मंत्र है कपूर गौरव करुणा अवतार हम संसार असार भोज केंद्र भवन भवानी सहित हम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार है, संसार के सार है, जो अपने गले में भुजंग का हाथ धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हाँ दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व, प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाए थे। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं, पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़े कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दे आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये दो देवी देवता, जी हाँ दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन। जी हाँ, यह कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि दो खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको ये सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद यह आपकी कुंडली में विराजमान किए हैं और यह आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नानक देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं, अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना, अगले 7 दिन तक फिर देखना शिवजी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत का करिश्मा ही कहें देंगे आप, लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बाद में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हाँ, यह बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वॉश करती है। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं,
जी हाँ दोस्तों, ये दो बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस मछली अंडे शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और यह नहीं करेंगे तो भलाई है। जी हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा उसमें। आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता है शिवजी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा, आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहे। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा न करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा जिससे आपका मन खुश रहेगा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत न बोले और गुस्सा भी ना करे, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखे तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहे। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दे, आपको बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करे, सोच समझ कर चले, अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखे, थोड़ा रुक कर चले। नौकरी करने वाले जातकों की बात करे तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा, आपके सहकर्मी आपके पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा, जो चाहोगे वह सब हो गया, बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दे, हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं, वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है और न ही किसी बच्चे को रुलाना है और न ही किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हां, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस मछली अंडे नहीं खाने हैं और न ही किसी शराब पीकर घर में आना है और न ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हां दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो या 3 मानिए आप प्रभु श्री राम भक्त हनुमान महावीर बजरंगबली की परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होगी, सभी के बारे में एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाएं।
ये और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हाँ, इस मंत्र को भी आप अपने मन में यह 11 बार बोल दीजिए। फिर देखिए बजरंगबली का चमत्कार। दोस्तों यकीन मानिए, आपका तक भीड़ बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हाँ, आइए अब जानते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। दोस्तों आपकी कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहे आने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा, साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा। दोस्तों अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हाँ, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियाँ प्राप्त करेंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर आएंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आप में ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति की कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसी बदलेगा कि इंसान को समझ नहीं आएगा यह कि वो। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है, यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे, पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, कुछ लोग सपने में सांप देखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार साहब के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है, यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं, कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो, इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं
तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जो आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालते हैं। नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे। कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा। जन कल्याण के कार्यों से जुड़ेंगे। पुण्यार्जन का प्रयास रहेगा। तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे। सफलता का प्रतिशत बुलंद रहेगा। विविध मामलों में गति आएगी। भाग्य पक्ष मजबूत बना रहेगा। सूझबूझ में वृद्धि होगी। पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवरेंगे। उत्साह मनोबल ऊंचा होगा। साख सम्मान बल पाएंगे। व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा। संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा। ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे। जीवन शैली को बेहतर बनाएंगे। निजी विषयों में रुचि रखेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों में आगे रहेंगे। परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। परिवार के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे। सकारात्मकता बनी रहेगी। संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। संकीर्णता त्यागे। आज का उपाय, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमो नमः का जाप करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूखे फल मेवे का प्रसाद बांटें। सहजता बढ़ाएं। वृष परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। जिम्मेदारों और वरिष्ठों से तालमेल बनाएंगे। प्रबंधन के कार्यों से जुड़ेंगे। आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे। मेलजोल की भावना बढ़ेगी। मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा। स्वार्थ संकीर्णता से बचें। बड़प्पन से काम लें। बड़ों का सम्मान बनाए रखें। हर्ष आनंद रहेगा। अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा। व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा। आर्थिक एवं पारिवारिक मामले पक्ष में रहेंगे। विनम्रता और विवेक रखें। आज का कुंभ राशिफल बताता है कि आज इस राशि के जातक आज का दिन घर में पारिवारिक कलह का अवसर न आए, इसका ध्यान रखें। आज पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमियों से बचें। मन में उत्पन्न नकारात्मक विचारों को दूर भगाने में भलाई है। आज पढ़ाई में विद्यार्थियों को अवरोध आएगा। आज अनावश्यक धन खर्च न हो, इसका ध्यान रखें। नौकरी व बिजनेस में सतर्क रहें। आप दूसरों से मदद और सलाह मांगने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं। आप अपनी स्वतंत्रता और विचार प्रक्रिया पर बहुत गर्व करते हैं और सामान्य परिस्थितियों में आपके आसपास के लोग आपसे मदद मांगते हैं। हालांकि आज आप इसके विपरीत भी कर सकते हैं। धन संपत्ति कारोबार के लिए दिन अनुकूल है। सेहत नकारात्मक विचार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिणाम देंगे, सावधान रहें। करियर नौकरी और शिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। प्यार आज का लव राशिफल में जातक प्रेम में साथी धोखा दे सकता है। परिवार पारिवारिक माहौल सुखद और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि का उपाय, नीला और काला रंग से दूरी बनाकर चले। पूर्वाभास दोस्त की मदद के लिए आगे आएंगे। करियर, बिजनेस, सेहत, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, प्रेम संबंध और दिन भर में होने वाली शुभ शुभ घटनाओं का भविष्यफल है। साथ ही आपके राशि के अनुसार आज का उपाय भी है जिसे आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अंततः जिसे प्यार करते हैं उसके प्रति सच्ची भावनाएं व्यक्त करने में सफल होंगे। दोनों एड़ियों के पिछले हिस्से में दर्द के कारण आपका चलना मुश्किल होगा। किसी के मार्गदर्शन से युवाओं को अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। अनुत्पादक गतिविधियों में शामिल होकर समय और महत्वपूर्ण ऊर्जा बर्बाद करेंगे। पारिवारिक जीवन के प्रति आपकी लगातार लापरवाही पत्नी को बेचैन, एकांत प्रिय, तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा बना सकती है। रियल एस्टेट में जल्दबाजी में निवेश से नुकसान होगा। आपको खुद को भावनात्मक बंधन से मुक्त करना लगभग असंभव लगता है। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए मानसिक स्पष्टता बनाए रखें। हो सके तो छोटी छोटी बातों को अनावश्यक तूल देने से बचें।
आज के दिन कुंभ राशि के जातक की ईमानदारी कार्यस्थल पर सहकर्मियों का नेतृत्व करने में मदद करेगी। पारिवारिक जीवन में स्वयं को धर्मार्थ कार्यों में संलग्न करने से खुशी मिलेगी। धन का निवेश करने से पहले या किसी को उधार देने से पहले रिटर्न की गारंटी के बारे में सोच लें। आपका मुग्ध हृदय आपको आजादी के लिए लालायित कर देगा। स्वास्थ्य के मामले में किसी मित्र की समय पर सलाह आपको अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक साथ कई अच्छी चीजें घटित होने की संभावना है। आज का लकी नंबर 18। आज का लकी रंग भूरा। आज का उपाय, स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जप आपकी सभी कठिनाइयों को दूर कर देगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।